वक्फ बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी की बैठक में आज फिर हंगामा हुआ। दिल्ली में हो रही इस बैठक से विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट बदल दी है। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना ही पूरी रिपोर्ट बदल दी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने जो किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने वाले सदस्यों में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, डीएम के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद समेत अन्य विपक्षी सदस्य शामिल थे। विपक्ष ने दावा किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पहले ही पत्र लिखकर अश्विनी कुमार की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया था। उसके बावजूद दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ ने रिपोर्ट पेश कर दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर तमाम गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था। आज विभिन्न हितधारकों को वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार और सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बैठक में गैर हितधारकों को बुलाया गया था। आज दिल्ली में एमसीडी सदन की बैठक में भी जबरदस्त बवाल हुआ और बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते आज कोई कामकाज ही नहीं हुआ। हाथों में नारे लिखी तख्तियां, सदन में जोरदार हंगामा, मेयर चुनाव कराने की मांग, तस्वीरें दिल्ली एमसीडी में हुए हंगामे की हैं। एमसीडी में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदूषण और मेयर के चुनाव में हो रही देरी के मुद्दे पर आज नारेबाजी और हंगामा किया। आज एमसीडी के सदन की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी के पार्षदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर और होर्डिंग्स लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई नहीं होने दी। बीजेपी पार्षद लगातार मेयर चुनाव कराने की मांग करते रहे। इस दौरान मेयर ने उनको शांत कराने की कोशिश की, मगर सदन में हंगामा होता रहा। बीजेपी के पार्षदों की नारेबाजी जारी रही। बीजेपी पार्षदों को आखिर में आश्वासन दिया गया कि नवंबर महीने में होने वाले सदन की बैठक में मेयर चुनाव कराया जाएगा। इसके बावजूद बीजेपी पार्षद नहीं माने और वो सदन में नारेबाजी करते रहे। लिहाजा मेयर शैली ओब्रॉय ने एजेंडा पास कराकर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दिल्ली में मेयर की तीसरी टर्म दलित प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। ये चुनाव अप्रैल में ही कराए जाने थे, लेकिन अब तक नहीं कराए गए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आज पटना सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें 2025 चुनाव का एजेंडा तय किया गया। बैठक में उपचुनाव के साथ साथ 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लक्ष्य तय किया गया है। चर्चा इस बात की भी हुई कि सभी घटक दल आपस में समन्वय स्थापित करें और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय हो जाएं। एनडीए ने विधानसभा चुनाव के लिए 225 पार का नारा बुलंद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए सरकार काम कर रही है, जन सरकार के कामों को जनता तक और एक बेहतर समन्वय के साथ एनडीए 2025 की तैयारी की आगाज करेगा। हालांकि बैठक में एलजेपी नेता पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया। जेडीयू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार का भविष्य तय करेगी। जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे और साथ में साथ मंदिरों की घेराबंदी।